Welcome to you all. I hope you all are doing well. So, today's class is going to be about trigonometry. Firstly, we should know about the name of this topic, trigonometry. So, trigonometry is a combination of three words. Okay. The first word is tri. Tri means three. Second word is gono. Gono means sides. And metri means measurement. So, we will uh, learn about all the three sides of any triangle. एंड दैट मेजरमेंट तो यहां पर आपको थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में होल द स्टडी रखनी है और वो थ्री साइड्स होंगी किसकी दैट इज राइट एंगल ट्रैंगल ओके जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो वर्क करता है राइट एंगल ट्रैंगल पे एंड यू नो वट इज राइट एंगल ट्रैंगल ओके तो राइट एंगल ट्रैंगल फर्स्टली द नो अबाउट द मीनिंग ऑफ राइट एंगल राइट right एंगल जो आपका होता है वो नाइन्टी डिग्री के एंगल को कहते हैं तो नाइन्टी डिग्री एंगल वाले ट्रेंगल यानी कि राइट right एंगल ट्रेंगल पर हम वॉक करेंगे यहाँ पर जिसमें आपकी थ्री साइड्स होंगी थ्री एंगल्स यू नो ऑल वेरी वेल कि ट्रेंगल्स में थ्री साइड्स और थ्री टैंगल्स थ्री एंगल्स ही होते हैं एंड वट आर दी थ्री साइड्स दीज आर दिस वन इज बेस दिस वन इज पडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस ओके स्टूडेंट यू नो ना हमारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो वन एटी डिग्री का होता है यानी कि जो ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का सम होता है वो वन एटी डिग्री होता है अगर वो वन एटी डिग्री है और ये वन एंगल हमारा राइट right एंगल है राइट मीन्स नाइन्टी डिग्री है तो अदर टू एंगल्स का सम जो है वो जो बचा हुआ होगा वो भी नाइन्टी डिग्री होगा तो नाइन्टी पे आप टू पार्टीशन करते हो तो वो एक्यूट एंगल बनते हैं इट मीन्स वी कैन से द राइट एंगल ट्रगल विच वन एंगल इज ऑफ नाइनटी डिग्री एंड अदर टू एंगल है स्टडी किया हुआ राइट एंगल ट्रैंगलगोरसोरम को वट इज दाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पर्पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओके ये बेस और पर्पेंडिकुलर आपके टू अदर साइड्स होते हैं और हाइपोटेनियस आपके ये वाली साइड्स होती है ओके तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्लास एट। चलो ये हो गया आपका साइड्स के बारे में अब हम एंगल्स के बारे में देखें तो थ्री एंगल्स होते हैं वन एंगल इज राइट एंगल एंड अदर टू एंगल्स आर एंगल और जो आपका ये थीटा है यहाँ पे दिस वन इज थीटा ओके दिस वन इज थीटा दिस कैन बी और दिस कैन बी ऑल्सो थीटा ओके वो डिपेंड करता है अगर इस ट्रैंगल पे आप ये वाला बेस लेते हैं तो ये वाला थीटा होगा अगर इस वाले को बेस लेते हैं तो ये वाला थीटा होगा ओके okay? क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो जब भी बेस के साथ एंगल बनाता है उसे हम थीटा कंसिडर करते हैं इफ दिस वन इज बेस तो हमारा ये जो होगा और दिस वन इज हाइपोटेनियस दिस वन इज पर्पेंडिकुलर तो हमारा ये थीटा कंसिडर होगा बट अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं इफ वी आर टेकिंग दिस पेंडिकुलर तो हमारा ये थीटा कंसिडर होगा ओके सो फोकस ऑन दिसंट ऑल्सो आफ्टर दैट हम ट्रिग्नोमैटी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे वट आर ट्रिग्नोमैटी रेशियोज देर आर सिक्स ट्रिग्नोमैटिक रेशियोज यू आर यूजिंग साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा कॉसिकटा सिकटा एंड कोट थीटा ओके एंड वट आर दिएटा

तो जब भी हमें अगर साइन कोसिक्ड थीटा गिवन है और साइन थीटा निकालना है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और अगर साइन थीटा गिवन है थीटा मेजर करना है तो हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे इट एंड आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर ओके इन्वर्ट है एक दूसरे के सिमिलरली कोस थीटा सिकेंड थीटा के साथ इन्वर्ट होगा और सिकेंड थीटा कोस थीटा के साथ कोर्ट थीटा टेंजेंट थीटा वन अपॉन टैंजन थीटा एंड टेंज थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोर्ट थीटा तो ये थ्री एंगल्स का पेयरिंग होती है जो एक दूसरे के इन्वर्जन होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं नाउ बात करें अगर हम टेंजेंट थीटा और कोर्ट थीटा की तो इनके टू तो डिफरेंट फॉर्मुलाज भी हैं इन द रिलेशन ऑफ साइन एंड कोस तो आपको वो भी रिमेंबर रखने हैं टेंजेंट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोर्ट थीटा जो होता है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है यू नो जो कोर्ट थीटा होता है हमारा वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है जो टेंजेंट की वैल्यू होगी साइन अपोन कोस वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी दैट विल बी कोस अपॉन साइन ओके तो ये आपस में इनके रिलेशन थे इन ताकि आपको सभी फॉर्मुलेज अच्छे से क्लियर हो जाए साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रैंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेटी रेशियोज ओके तो अब हम ट्रिग्नोमेटी रेशियोज का यूज करके ट्रैगल्स की साइड्स को कैसे जज करेंगे Look. यू हैव रिमेम्बर्ड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस लर्न भी होगा जो हम एक फ्रेज यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले तो इसके थ्रू ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इनका रिलेशन इजिली लर्न कर सकते हैं सो पी बी पी एच एच बी ओके और हम हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं पीके एच के साथ बीके एच के साथ एंड पीके बी के साथ सो फर्स्ट वन इज साइन थीटा सेकेंड वन इज कोर्स थीटा एंड थर्ड वन इज टेजेंट थीटा सो वी कैन कंसिडर अगर आपको साइन थीटा मेजर करना हो इट मीन्स आपको एक्यूट एंगल थीटा गिवन हो और आपको साइन ऑफ दैट एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो बाय द गिवन ट्रैंगल तो आप पी बायच का यूज कर सकते हैं और अगर आपको कोर्स थीटा मेजर करना हो तो आप बी बाय एच और टेंजेंट थीटा मेजर करना हो तो पी बाय बी हाउ लुक हेयर जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि वर्क करता है एक राइट एंगल ट्रैंगल पे ओके सो दिस वन इज राइट एंगल ट्रा आई एम मेकिंग वन मोर लुकिया दिस वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ओके और अगर मैं आपको इसमें बेस की वैल्यू फोर पडिकुलर की वैल्यू थ्री और हाइपोटेनिस की वैल्यू फाइव दे देती हूँ नाउ आई एम सेंग दिस की ये आपको थीटा दिस वन इज बेस ना सो so ये थीटा मैं लूंगी अगर ये बेस होता तो मैं ये थीटा लेती हूँ okay? ओके तो अगर आपको साइन थीटा मेजर करना है सो यू नो साइन थीटा वट इज साइन थीटा आई टोल्ड यू हेयर पी बाय एच ओके पी अपोन एच सो वट इज पी पी इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर वट इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर हेयर थ्री बाई एच 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 इज गिवन वाइपोटेनियस वाइपोट इट मीन साइन थीटा की जो वैल्यू है वो थ्री अपॉन फाइव है सिमिलरली अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि आप कोस थीटा की वैल्यू मेजर कीजिए तो यू नो कोस थीटा जो हमारा बी बाय एच है बी बेस है एच हाइपोटेनियस है तो फोर बाय फाइव जो है वो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और अगर मैं आपको बोल दू की आप टेंजेंट थीटा मेजर कीजिए तो आपको पता है टेंजेंट थीटा बी बाय पी होता है तो बी अपॉन पी इट मींस फोर अपॉन सॉरी पी अपॉन बी परपेंडिकुलर बाय बेस सो तो थ्री बाय फोर ये आपकी हो जाएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू ओके तो इस तरह से आप एंगल्स ट्रिग्नोमैटी रेशियोज जो है साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा उनको आप मेजर कर सकते हैं अगर आपको ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो तो ओके नाउ अब ये आप एंगल्स कैसे मेजर कर सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थीटा हाउ कुड यू मेजर सो फॉर दैट वी विल लर्न अबाउट द टिग्नोमेटिक टेबल जो आपकी एंगल टेबल होती है ओके नाउ लुक फॉर द एंगल टेबल जो कि हम टिग्नोमेटिक रेशियोज में एंगल्स का यूज करेंगे आप एक बार इनको देख लीजिए फिर हम इनका यूज भी करके देखेंगे सो so, ये आपको सिक्स ट्रिग्नोमेटी रेशियोज गिवन है और इनको हम एक्यूट एंगल्स पे चेक करेंगे व्हाट आर द एक्यूट एंगल्स यू नो आपके ट्रेंगल्स में जो राइट right एंगल ट्रेंगल है उसमें थ्री टाइप के एंगल्स ही यूज हो रहे हैं वन इज राइट एंगल एंड टू आर एक्यूट एंगल तो वन हमारे यहाँ राइट एंगल हो गया और अदर जो हमारे ये हैं दीज आर एक्यूट एंगल्स ओके अगर हमें इनकी कहीं नीड होती है तो हम इनके अकॉर्डिंग कॉस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दिस ड्रिग्नोमेट्री रेशियोज पुट कर देंगे तो जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री देन नाइन्टी डिग्री ओके तो हमें क्या करना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमें इन एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट एक मेथड है आपका कि आप स्क्वायर रूट ले लीजिए इस ट्रिक की हेल्प से आपको ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी और इनकी हेल्प से आप बाकी जॉब के रेस्ट है एंगल्स जितने भी सबकी वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो तो क्या कीजिए आप एक रूट लगाइए स्क्वायर रूट ओके एवरी प्लेस पे उसके बाद आप उसके अंदर जीरो बाय फोर वन बाय फोर टू बाय फोर थ्री बाय फोर एंड फोर बाय फोर आप कंजीक्यूटिव ये वैल्यूज पुट कर लीजिए जीरो अपॉन फोर वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर एंड फोर अपॉन फोर अंडर द स्क्वायर रूट अब आपको पता है जीरो तो ही होता है और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा दैट इज जब आप वन बाय फोर करते हैं तो आपको पता है कि फोर का स्क्वायर रूट टू होता है ओके और वन का वन होता है तो वन बाय फोर का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वन बाय टू हो जाएगा उसके बाद टू बाय फोर करते हो एंड स्क्वायर रूट करते हो टू से फोर टू पे कट हो जाएगा वन बाय टू और वन बाय टू का स्क्वायर रूट वन बाय रूट टू क्योंकि वन का स्क्वायर रूट तो वन होता है फोर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता हमारा टू होता है तो रूट थ्री बाय टू एंड फोर बाय फोर फोर इज फोर टू वन कैंसिल आउट हो जाएगा और वन का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा वन ही होगा ओके okay? तो ये जो आपको वैल्यूज मिली है ना ये आप एज इट इज साइन

आप इसका अपोजिट ऑर्डर ले लीजिये जो आपका ये था ना ये जो ऑर्डर इस तरफ था अब आप इसको उल्टी साइड से लिख लीजिए वन यहाँ रूट थ्री बाय टू यहाँ वन बाय रूट टू यहाँ वन बाय टू यहाँ जीरो यहाँ इट मीनस आप इसको बैक साइड से स्टार्ट कर लीजिए और एज इट इज यहाँ प्लेस कर दीजिए ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी आपकी कोर्स की इन ट्रिग्नोमेटी रेशियोज पे ओके नाउ टेंजेंट अब स्टूडेंट आपको टेंजेंट पता है टेंजेंट होता क्या है मैंने अभी आपको एक ट्रिग्नोमेटी रेशियो बताया था टेंजेंट का रिलेशन जब हमने किए थे कि आपके सिक्स जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो मैंने टू टू की पेयरिंग करके दिखाई थी आपको और टेंजेंट और कोट के डिफरेंट फॉर्मूलाज बताए थे कि टेंजेंट आपका साइन बाय कोस होता है और ठीक है और जो आपका कोट होता है वो आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है तो ये मैंने आपको अलग से बताया था तो आप अब क्या कीजिए आप अब इसका यूज कीजिए ओके इसका यूज कीजिए और इसका यूज करके आप यहां देखिए कि आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है टेंजेंट इज साइन अपॉन कोस साइन आपका जीरो है कोस आपका मतलब टेंजेंट जीरो डिग्री पे फाइंड आउट करो ना तो साइन भी जीरो डिग्री पे और कोस भी जीरो डिग्री पे टेंजेंट इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस और साइन की वैल्यू है जीरो और कोस की वैल्यू है वन जीरो बाई वन इज जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट चले तो टेंजेंट थर्टी पर देखेंगे तो क्या होगा साइन थर्टी अपॉन कोर्स थर्टी तो आप जब यहाँ पे करोगे वन बाय टू और नीचे करोगे रूट थ्री बाय टू तो आपका टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और वन बाय रूट थ्री जो आपकी वैल्यू रह जाएगी सिमिलरली आप इन सबको जब मेजर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा वट इज दिस नॉट डिफाइंड स्टूडेंट आपको पता होगा जब मैं, मैंने आपको भी बताया है कि टेंजेंट जो होता है वो साइन बाय कोर्स होता है इट मीन्स यहाँ पे आपका वन बाय जीरो होगा एंड इफ यू नो वेरी वेल कि जब हम जीरो समथिंग करते हैं तो दैट्स वैल्यू इज जीरो ऑलवेज बट अगर हम समथिंग बाय जीरो करते हैं तो दैट इज इनफाइनेटी इसका रीजन क्या है मैं एक प्रीवियस क्लास में वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ बट आपको मैं दोबारा बता देती हूँ फर्स्टली मैं इसको लेती हूँ जीरो बाय वन का मीनिंग है कि आप जीरो को डिवाइड कर रहे हैं वन से तो वन के टेबल में वन जीरो जीरो होता है कट ओके क्रॉस दैट इज डन तो इसलिए आंसर आपका जीरो आ गया बट इसका क्या मीनिंग होगा कि आपका वन अंदर है और जीरो बाहर है जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो जीरो इज जीरो वन लेफ्ट रिमाइंडर अगेन जीरो जीरो इज जीरो अगेन वन रिमाइंडर अगेन जीरो जीरो इज जीरो अगेन वन रिमाइंडर इट मीनस ये कभी कम्पलीटली डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि जीरो के टेबल में हर एक नंबर जीरो ही होता है जो आप कितने पे भी ले लीजिए ओके okay? तो आपका ये कभी डिवाइड ही नहीं होगा ये आपका कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा इसलिए हम इसको इनफाइनाइट बोलते हैं जो ये वर्ड होता है ना इनफाइनाइट इसका मीनिंग होता है जिसकी कोई सीमा ना हो जो जिसका कोई अंत ना हो ठीक है तो ये चलता चला जाएगा इसलिए हम यहाँ पे जब टेंजेंट 90 फाइंड आउट करेंगे तो वो साइन 90 बाय कोस नाइनटी होगा वन बाय जीरो और वन बाय जीरो मीन्स नोट डिफाइन नेक्स्ट आपके जो ये थ्री बचे हैं कोसिकेंड सिकेंड एंड कोट अगर आपको पता हो तो अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बताए थे मैंने आपको ये कहा था कि जो साइन होता है वो वन बाय कोसिक होता है और कोसिकेंट होता है वो वन बाय साइन होता है इट मीन साइन और कोसिकेंट इन दोनों का आपस में रिलेशन है स्टूडेंट साइन और कोसिकेंट का तो जब भी आपको कोसिकेंट की वैल्यूज लिखनी है आप साइन के सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दीजिए इट कोसिकेंट निकालना है मुझे तो साइन की वैल्यू जीरो है जीरो बाय वन करूंगी सॉरी वन बाय जीरो करूंगी तो नॉट डिफाइन आ जाएगा मुझे थर्टी डिग्री पे निकालना है तो साइन की थर्टी पे जो भी वैल्यू है आप उसका रेसिप्रोकल उसको उल्टा कर दीजिए तो वन बाय टू है ये टू बाय वन आ जाएगा ओके ये टू बाय वन आ जाएगा जब हम इस वन बाय टू का रेसिप्रोकल करेंगे और टू बाय वन हमारा टू ही होता है ओके उसके बाद मुझे निकालना है फोर्टी फाइव पे वन बाय रूट टू होता है तो मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगी रूट टू बाई वन रूट टू बाई वन रूट टू ही होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में वन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि वन से कट करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगी सिमिलरली आपके ये रेस्ट जो है और जो आपका सिकेंड है वो आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है जो ये कोस की जितनी भी वैल्यूज है आप इन सबका रेसिप्रोकल करते चलिए आपको सिकेंड की वैल्यूज मिल जाएंगी और कोट जो होता है वो आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है तो टेंजेंट की जो सब वैल्यूज हैं उन सबका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए आपको कोट की वैल्यू मिल जाएंगी ओके तो ये थी आपकी एंगल टेबल जिसका हम यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन ऑफ थीटा और थीटा की अगर कोई वैल्यू दी है आउट ऑफ दीज तो आप इन एंगल्स में से पुट कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रिग्नोमेटी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो अब हम ट्रिग्नोमेटी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको एंगल कंप्लीमेंट्री दिया तो उसका डिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा ठीक है कम्पलीमेंट्री डू यू नो द मीनिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ टू एंगल इज नाइन्टी डिग्री ओके जो हमारे टू एंगल्स होंगे लाइक वी आर कंसिडरिंग एक एंगल ए है एक एंगल बी है अगर इन दोनों की वैल्यूज को मैं ऐड कर देती हूँ तो टोटल तो सम इज नाइन्टी डिग्री तो ये होती है हमारी कंप्लीमेंट्री की कंडीशन ओके okay? अब अगर दोनों का सम नाइन्टी डिग्री होगा अगर मुझे इसमें से ए निकालना होगा तो दैट विल बी नाइन्टी माइनस बी और अगर मुझे b फाइंड आउट करना होगा दैट विल बी नाइन्टी माइनस ए ओके तो ये होता है कम्पलीमेंट्री में रिलेशन कि एक अगर एक्यूट एंगल गिवन है तो दो दूसरा जो होगा वो नाइन्टी से माइनस करने पर आएगा क्योंकि दोनों का सम जो होता है वो नाइन्टी डिग्री होता है कम्पलीमेंट्री के केस में ओके okay, अब यहाँ पे हमें टिग्नोमेटी रेशियोज में कम्पलीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है क्या रिलेशन होता है इनका कि साइन और कोस का आपस में रिलेशन होता है साइन नाइन्टी माइनस थीटा करते हो तो वो कोस के इक्वल होगा और कोस नाइन्टी माइनस थीटा करते हो तो साइन के इक्वल होगा ओके क्योंकि आपको पता है ना जो हमारे अदर टू एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं जो ये आप ट्रैंगल बनाते हो इसके अंदर दिस वन इज राइट एंगल एंड अदर दीज टू एंगल दिस वन और दिस वन दीज आर टू एक्यूट एंगल ये अगर अकेला नाइन्टी डिग्री है तो बचे हुए जो ये दोनों हैं इनका सम नाइन्टी डिग्री होता है ओके वन एंगल में कुछ भी दूं आपको जो सेकेंड एंगल होगा जो बचा हुआ जो दूसरा एंगल होगा उसका वो नाइन्टी माइनस करने से ही आएगा क्योंकि इन दोनों का सम नाइन्टी होता है और ये ही दोनों एक्यूट एंगल होते हैं तो और इन दोनों का सम ही आपका कम्पलीमेंट्री कहलाता है इन दोनों ये दोनों एंगल्स ही आपके कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं क्योंकि इन दोनों का सम ही आपका नाइन्टी डिग्री होता है ओके और ये जो है आपका साइन का कोस के साथ रिलेशन होता है टेंजेंट का कोट के साथ रिलेशन होता है सिकेंट का को के साथ रिलेशन होता है ओके तो आप ये चीज नोटिस कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा करने से कोस थीटा आ रहा है ये कैसे होगा देखो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसमें आपको समझ में आ जाएगा इजिली यहां पर हम थीटा ले लेते हैं थर्टी डिग्री और इस थीटा को मैं यहां पे पुट करती हूँ इन जगहों पर ओके यानी कि ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें मैं थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री पुट कर देती हूँ और आप देखना कि ये जो टेन साइन नाइन्टी माइनस थीटा करने पर आ रहा है और जो कोस थीटा करने पर आ रहा है इन दोनों की वैल्यू सेम होगी ओके तो ये आपको चेक करनी है तो आपकी थीटा की वैल्यू है थर्टी डिग्री तो यहां मैं कर देती हूँ साइन नाइन्टी माइनस थर्टी इज इक्वल टू कोस थर्टी साइन नाइन्टी माइनस थर्टी नाइन्टी को नाइन्टी uh, से थर्टी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा सिक्सटी डिग्री आएगा और ये आपका कोर्स थर्टी अब साइन सिक्सटी की वैल्यू जो हमने अभी अभी पीछे टेबल की है एंगल टेबल उसमें आप देखिए साइंस सिक्सटी की वैल्यू क्या है दैट इज और थर्टी की वैल्यू भी रूट थ्री अंट टू है इट मीनस ये दोनों सेम आ रही है ये दोनों सेम आ रही तो क्या है तो हम कह सकते हैं ना अगर एक एंगल को मैं नाइनटी सब्टैक्ट करती हूँ और उसी एंगल का मैं कोस ऑफ रेशियो लेती हूँ तो वो दोनों सेम होंगे सिमिलरली आपके बाकी सेम होंगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो आपका टेंजेंट और कोट को बताता है कि मैं थीटा सिक्सटी डिग्री कंसिडर कर लेती हूँ टेंजेंट नाइनटी माइनस सिक्सटी करूंगी और उधर कोर्स कोट सिक्सटी करूंगी नाइनटी माइनस सिक्सटी इज थर्टी तो इधर टेंजेंट थर्टी आ जाएगा और उधर कोट सिक्सटी आ जाएगा और चेक फ्रॉम द एंगल टेबल जो आपकी एंगल टेबल है आपको टेंजेंट थर्टी और कोट सिक्सटी की वैल्यू सेम दिखेगी वन अपॉन रूट थ्री ओके तो ये था आपका डिग्नोमेटी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपस में किसका किसके साथ रिलेशन होता है अगर कहीं आपको ये गिवन हो ना तो उसकी जगह आप ये पुट कर सकते हो बिना सोचे समझे कि ये थीटा की जो भी वैल्यू होगी ना उसको नाइनटी में से माइनस कर देना और साइन को, कोस को साइन में चेंज कर देना और साइन को कोस में चेंज कर देना सिमिलरली टेंजेंट और कोट को आपस में आप रिप्लेस कर सकते हैं और कोसिकेंट और सिकेंट को सिकेंड और को को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इनको हम स्क्वायर आइडेंटिटीज भी बोलते हैं तो अब आप पाइथागोरियन ट्रिग्नोमैटिक आइडेंटिटी कैसे देखेंगे आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर ठीक है तो यहां पर मैं स्क्वायर्स का यूज कर रही हूं तो इस वजह से हम इनको स्क्वायर आइडेंटिटीज भी बोलते हैं और कुछ आइडेंटिटी होती है टिग्नोमैटी रेशियोज पर बेस्ड उसमें से फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीट्टा प्लस कोस स्क्वायर थीट्टा इज इक्वल टू वन यानी कि आपके पास सिक्स टिग्नोमैटी रेशियो है उनमें से आप टू टू के थ्री पेयर्स बना लीजिए साइन का कोस के साथ सिकेंट का टेंजेंट के साथ और को का कोट के साथ इनका आपस में रिलेशन होता है और एक आइडेंटिटी होती है कि इनका कुछ रिलेशन वन के इक्वल होता है मैं बताती हूँ आपको कैसे फर्स्ट है आपका ये साइंस स्क्वायर प्लस को स्क्वायर रिजकल्ट टू वन तो आप ना इसको इस ट्रिग्नोमेट जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना जो मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करती है ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपकी थ्री साइड्स होती है एक बेस होता है परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनियस होता है तो आपके पास इन तीनों की वैल्यूज गिवन है आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करके उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों हम क्यों ये आइडेंटिटी यूज करते हैं कि कैसे इन दोनों का सम वन के इक्वल आएगा ऑलवेज ठीक है आप कोई भी राइट एंगल ट्रैंगल ले लीजिए उनके तीनों साइड्स की कुछ भी वैल्यू गिवन हो आपका जो ये फॉर्मूला है ना वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ओके तो देखिए आपको मैंने बताया था एक वो साइड्स uh, का रिलेशन बताया था टीआर के साथ वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला सेंटेंस जो आपको ऑलवेज रिमेंबर रहता है तो उस पर डिपेंडेंट आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो पी एच होता है तो साइन थीटा इज पी बायच और उसका होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब मैं इनका स्क्वायर करती हूँ पी स्क्वायर अपोन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपोन एच स्क्वायर ओके दिस वन पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाय इज इक्वल टू वन अब हम एलसीएम ले लेंगे एलसीएम में आपको पता है हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर भी हमारा सिमिलर रहता है तो एच और पी स्क्र प्लस बी आपका हो जाएगा इजिकल टू वन उसके बाद मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो पी स्क्र प्लस टू एच स्क्वायर अब देखिए आपको क्या दिख रही है आपकी थ्योरम दिख रही है आपको ये को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो मैंने इनको पुट किया था आफ्टर दैट अगर आपको जो ट्रेंगल दीजिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इट मीनस फोर का स्क्वायर बेस स्क्वायर इट मीनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू तो हाइपोटेनस स्क्वायर इट मीस फाइव का स्क्यर फोर स्क्सटीन थ्री इज नाइन और फाइव स्क्ट ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी इनकी सेटिस्फाई कर रहा है इजिली जो आपकी वैल्यूज हैं तीनों इस टैंगल के साइड्स की वो जब आप इन ट्रिग्नोमेटी रेशियोज में पुट करते हो उनके कोस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला थे तो आपको ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड मिलता है इसका मतलब कि साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा ही वन के इक्वल होगा ओके यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज है वो भी देख लीजिए आप दीज आर गिवन हेयर कि साइन का कोस के साथ रिलेशन होता है साइंस स्क्वायर प्लस कोस कोर रिजगल्ट टू वन होता है यहां से अब अगर आप साइन स्क्वायर निकालते हो तो ये को स्क्वायर उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा ओके वन माइनस को स्क्वायर और अगर आप को स्क्वायर निकालते हो तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ओके सेकेंड वन इज सिक्ड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब आप कहोगे कि यहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस कैसे हुआ तो देखिए स्टूडेंट आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पता हो कि हमारा एच स्क्र इज इक्वल टू पी प्लस बी स्क्वायर होता है और यहां से अगर मैं पी स्क्वायर निकाल निकालू तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और अगर मैं यहां से ए, बी स्क्वायर निकालती हूं तो वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ये तीन फॉर्मूलाज बनते हैं आपके एच के केस में हाइपोटेनस निकालना हो तब परपेंडिकुलर और बेस इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट केसेस ये होते हैं अब यहां पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि हाइपोटेनस के केस के में आपके परपेंडिकुलर और बेस एड हो रहे हैं बट परपेंडिकुलर और बेस के केस के में तो आपके हाइपोटेनस से बेस और परपेंडिकुलर माइनस हो रहे हैं ना तो ये प्लस का फॉर्मूला है ये माइनस का फॉर्मूला है तो इस टाइप से आपके यहाँ रिलेशन भी तीन ही बनेंगे साइन स्क्वायर और को स्क्वायर में एडिशन होगा सिकेंड स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर में सब्ट्रेक्शन होगा और को और कोट स्क्वायर में भी सब्ट्रेक्शन होगा ओके यहां से अब मैं सिकेंड फाइंड आउट करती हूँ तो टेंजेंट माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो सिकेंड स्क्वेयर इज टू तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर <algunosvateans> और अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर निकालती हूँ तो टेंजेंट उधर चला जाएगा और वन इधर आ जाएगा तो टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंड स्क्स वन इज माइनस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो यहां से अगर मैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालती हूँ तो वो वन प्लस कोर्ट स्क्वायर थीटा हो जाएगी माइनस का कोट है उधर जाके प्लस का हो जाएगा और अगर मैं कोट फाइंड आउट करती हूँ तो कोट उधर चला जाएगा बट वन इधर आ जाएगा क्योंकि कोट उधर जाने के बाद ये वन जो है इसी से निकाल लीजिए आप अगर मुझे यहां से कोट की वैल्यू निकालनी है तो ये वन इधर आ जाएगा माइनस में को स्क्वायर माइनस वन तो ये आपकी थ्री आइडेंटिटीज थी जिनको हम स्क्वायर आइडेंटिटीज बोलते हैं और ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होती है विद दिस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से ओके आप ऐसे कोई भी वैल्यू करके इनमें पुट करोगे ना सिकेंड स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर निकाल के तो आपकी हमेशा के साथ ये क्या रहेंगी सेटिस्फाइड रहेंगी सो ये था आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रीस के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं आपके टेंथ लेवल तक के तो सभी मैंने डिस्क्राइब कर दिए यहाँ पे और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इनके क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है ओके okay? बहुत ही ईजी वे में करने वाले हैं स्टूडेंट हम और प्लीज इन फॉर्मूलाज uh, को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि जब तक आपको फॉर्मुलाज लर्न नहीं होंगे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कतें आएंगी ओके okay? और इतना कुछ नहीं है बहुत ईजी है बस आप इनको समझ के करेंगे राइट एंगल ट्रैंगल के साथ रिलेट करके करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ओके okay? तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू